हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड, ब्लॉग में रोहित में आपका स्वागत है। तो आज हम आ चुके हैं, देख सकते हैं आपको, सिपाड़ा रेलवे गुमटी के पास में, और ये पिलर नंबर 9। पुराना वाला मीठापुर बस स्टैंड और बिग्रहपुर के जस्ट पूरी साइड में को पड़ता है भूपतिपुरा। भूपतिपुर की तरफ से ये रास्ता जुड़ने वाला है, देख सकते हैं। और ये हम आगे बढ़ रहे, देख सकते हैं मिट्टी और बालू का भराव भरा हुआ है, और इस से रास्ता बना हुआ है जो कि आगे जाके आपको गया रेलवे लाइन को, ये जो आपको रोड दिख रहा है ना, ये सिपाड़ा पुल कहलाता है, जो कि गया रेलवे लाइन को उस पार होके ये सिपाड़ा पुल के नाम से जाना जाता है। अब इसी गया रेलवे लाइन के जस्ट बगल में ये जो है आपको रास्ता जा रहा है, इसी के ऊपर पर जो है आपको मीठापुर मोहल्ली एलिवेटेड रोड पार होगा, लेकिन नीचे से रैंप बनेगा। उसी के लिए ये नीचे से रोड का भी निर्माण के लिए इससे मिट्टी और बालू का भरा हो रहा है। अब ये देख सकते हैं यहाँ पे पहले नाला था, इसीलिए यहाँ जब खुदाई होती है तब यहाँ पे सिर्फ कीचड़ ही कीचड़ निकलते हैं, मतलब पहले का जो नाला का जो गंदा कीचड़ है वही निकलता है जमीन के नीचे से। साइड से दिखाते हुए आ रहे हैं आपको सिपाड़ा के साइड से, और दिखाते हुए जो सिपाड़ा पुल के साइड से हम आ गए हैं यहाँ पे सिपाड़ा रेलवे गुमटी, जो कि पहले का बना हुआ है। और साथ ही साथ देख सकते हैं, ये नहीं देखे होंगे, जैसे कि देख सकते हैं ये साइड से जो है ना आपको नाला का काम, जो कि आपको वीडियो में दिख ही रहा होगा, जब उस साइड से हम दिखाते हुए आ रहे थे तो आपको ये नाला दिखा होगा स्टार्टिंग में, तो उस साइड से दिखता था और इस साइड से भी कचरा वगैरह था, मतलब रोड मतलब उतना अच्छे से नहीं बना हुआ था। अब देख सकते हैं इस साइड से बन चुका है, तो इस साइड से भी ये रोड बनाया जा रहा है और उस रोड को है ना अभी यूज किया जा रहा है। तो मेरे ख्याल से दोस्तों, जब ये मेन हाईवे बन जाएगा ना, तो यहाँ के जो आसपास के लोग हैं, लोकल रहने वाले, उनके लिए भी रोड यहाँ बनाया जाए। देख सकते हैं मकान वगैरह तोड़ दिया गया है, देख सकते हैं। तो हो सकता है कि ना कि इस रास्ते को है ना यहाँ से वहाँ कनेक्ट किया जाए, या हो सके तो वहाँ से कनेक्ट किया जाए, ताकि ये इधर के लोग है ना इस रोड का मतलब आ सके या यूज कर पाए, इस तरह से कुछ कनेक्टिविटी हो सकती है। तो फ्यूचर में जैसे होता है वैसा दिखाएंगे। साथ ही साथ ये भी बता देते हैं कि इस पुल पर से आपको एक रैंप उतरना था, जो कि रेलवे गुमटी के उस पार जाके उतरेगी। तो ऐसे सुनने में आ रहा है कि पिलर वगैरह का काम शुरू हो चुका है, तो उसको भी दिखाएंगे। कारपुर के तरफ से रोड आ रहा है, देख सकते हैं, और धीरे धीरे जो है आपको यहाँ पे सिपाड़ा रेलवे गुमटी के पास ये रोड ऊंचा हो चुका है, ये काफ़ी ऊंचा है और नीचे से लोग पार हो रहे हैं, तो शायद इस रोड को इतना बराबर कर दिया जाए। और उस साइड में देख सकते हैं साइड के जो लोग हैं, ये हरिश्चंदन नगर का ये साइड है, जो कि कुछ लोग के मकान वगैरह है और यहाँ खाली ज़मीन है, और इसके साइड में देख सकते हैं ये नाला के नीचे से है, इस साइड में भी ये ज़मीन थोड़ा सा नीचा है। और यहाँ से हम दिखा रहे हैं आपको, देख सकते हैं सिपाड़ा रेलवे गुमटी जो है वहाँ से आपको ये नीचे की ओर रोड आ रहा है, तो ये रोड पहले वाला है। तो इस रोड के जस्ट बगल में देख सकते हैं इतना ऊंचा किया गया है, मतलब 3 से 4 फीट की ऊँचाई होगा, और इतना ऊँचा पर जो है ना ये नाला के जस्ट सटे हुए ये रोड बन रहा है, फिर उसके ऊपर से है ना ढलाई का रोड कर दिया जाएगा, इस तरह से रोड पक्का हो जाएगा। तो पहले इस साइड का काम होगा, उसके बाद उस साइड का काम होगा। अगर दोनों साइड का होगा तो ये ट्रैफिक आने जाने वाले हैं ना, यहाँ पे काफ़ी जाम लग जाता है, क्योंकि यहाँ रेलवे गुमटी है, समय समय पर ट्रेन भी पार होते रहता है, तो यहाँ का वर्क इतना है। और साथ ही साथ ही रेलवे ट्रैक के उस साइड में, मतलब जो आपको दशरथ था IOC का ये भाग पड़ता है, तो वहाँ पर हम आपको दिखाएँगे कि उस साइड से जो एक रैंप आएगा और इससे ब्रिज में आके जुड़ जाएगा, तो वो भी दिखाने वाले हैं, उसका काम शुरू हो चुका है। तो आपको सिपाड़ा पुल की तरफ से दिखाते हुए आ चुके हैं भूपतिपुर की तरफ से होते हुए, और यहाँ भी आगे भी दिखा दे हैं जहाँ तक ये लाल मिट्टी वाला जो है रोड ढाल के ऊंचा किया हुआ है। और अब चलते हैं रेलवे गुमटी का, जो सिपाड़ा रेलवे गुमटी है उसी उस पार जाके कि रैम्प का काम जो वहाँ पर ठीक सामने में हो रहा है तो किस तरह से क्या हो रहा है, चलिए दिखाते हैं। साइड से दिखा रहे थे रोड का हाल, अभी साइड से चलते हैं अंदर की ओर दिखाने।
तो सिपाड़ा रेलवे गुमटी के तरफ से हम आगे बढ़ रहे हैं सिपाड़ा पुल के तरफ और देख सकते हैं यहाँ आसपास में रोड के दोनों साइड में सब्जी मंडी, यहाँ पे सब्जी वगैरह का ये लगता है, नीचे में ऊपर में ठेले पे बहुत सारा सा आलू बैंगन भिंडी गोभी जो भी है सारा कुछ मिलता है। और यहाँ देख सकते हैं इस तरह से यहाँ जो स्पेशन है ठीक मेरे लेफ्ट साइड में आपको इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का ये गोडाउन है अंदर में, मतलब तेल वगैरह बहुत सारा ये बड़ा सा बाउंड्री है उसी का ये रोड है अंदर की तरफ से बाहर की ओर आता है। और ये देख सकते हैं बार्गेनिंग किया हुआ है जो कि आपको पाइलिंग के लिए इस तरह से देख सकते हैं यहाँ पे किया हुआ एक पाइलिंग और आगे में भी जितना भी पाइलिंग यहाँ पे होना है मतलब यहाँ पे जो रैंप बनना है उसके लिए इस तैयारी की जा रही है। तो एक हफ्ते पहले ही यहाँ पे सब कुछ सामान वगैरह रखा गया था लेकिन अब जाके पाइलिंग का एक काम हुआ है। तो मीठापुर महोली एलिवेटेड रोड से आपको सिपाड़ा रेलवे गुमटी के ऊपर पर पार करते हुए दशरथा आईओसी रोड के तरफ से यहाँ रैंप आके डाउन हो जाएगा और इस रोड में मिल जाएगा। तो उसी के लिए यहाँ पे कंटेनर रखा हुआ है जितना भी सारा सामान रखा हुआ इस तरह से और बार्गेनिंग किया हुआ है। तो रेलवे गुमटी की तरफ से आ चुके हैं और ये साइड में देख सकते हैं आपको पिलर बनाने के लिए भी कहीं कहीं गड्ढा कर दिया गया है और अंदर से जो है ना सरिया वगैरह निकाल दिया गया है ताकि पिलर बना सके। यहाँ से जो रैंप उठेगा सीधा जाके ज्वाइंट हो जाएगा इस पुल पे और ये देख सकते हैं गाड़ियाँ इस तरह से आ रही हैं और चली जाएंगी वापस सिपाड़ा पुल के तरफ में और यहाँ तक जो है बारगेडिंग कर दिया गया है रैंप बनने की। अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ऐसे ही अपडेट्स आपको इस पर मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं फिर किसी ऐसे ही ब्लॉग के साथ किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओके बाय।